कहते हैं कि जी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, उसकी वजह ये है कि जब आदमी के अकल हलाल न हो, यानी अंदर हराम हो, दुआ कबूल नहीं होती। क्योंकि सही हदीस है कि अगर कोई आदमी हराम के पैसे से हज के लिए आ गया, उसने एहराम बांधा और कहा लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक, तो आवाज आती है कि माकलु का हराम उन व मलबसु का हराम उन ला लब्बैक वला सादैक व हज्जु का मर्दूदुन अलैक, तेरा खाना भी हराम है, कपड़े भी हराम से हैं, तेरे कोई हज नहीं है, जब हमने तेरा लब्बैक जो रद्द कर दिया है तुम, तो जब अंदर हराम होगा, अकले हराम होगा, फिर दुआएं कबूल नहीं होगी। या जब दुआ कता रहम के लिए की जाए कबूल नहीं होगी। जब दुआ किसी मुसलमान की हलाकत तो बर्बादी के लिए की जाए दुआ कबूल नहीं होगी। और दुआ के कबूल होने का तरीका यही है, याद रखें कि सबसे पहले हलाल खाएं, तौबा करें गुनाहों से, और उसके बाद खास तौर पे जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है अगर बंदे को मिल जाए तो दुआ कबूल हो जाती है, और वो ज्यादा राजे कौल यही असर से लेकर मगरब तक। तो असर से बैठ के दुआ करते रहें, जिक्र करते रहें, कुरान पढ़ते रहें, तो इंशाअल्लाह दुआएं कबूल होंगी।